हेलो इन्वेस्टर्स, तो गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तम वैल्यू स्टील सिमेंट के बारे में। तो शेयर के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर मैं डेली शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डेटा कॉल्स देता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है तो वहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं, लिंक उसकी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो गाइस शेयर के बारे में बात कर लेते हैं। गाइस बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे UVSL की वीडियोस पर कि शेयर रिलीज कौन से प्राइस पर होगा या कब होगा एंड कंपनी बंद है एंड ऑल अदर सब क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सही, सो गाइस लेट मी क्लियर यू गाइस दैट UVSL एंड जो लिस्टिंग है उसकी मैंने वीडियो बनाई है। UVSL की पुरानी वीडियो आप मेरी देख सकते हैं, अगर UVSL की आपने पूरी पुरानी सीरीज देखी होगी। मैंने रिलिस्टिंग पर वीडियो बना रखी है, उसके अंदर पूरा क्लियर कर रखा है कि रिलिस्टिंग कब होगी। वो बहुत ही डिटेल वीडियो है, अभी मैं डिटेल में बताना चाहूँगा तो बहुत लंबी वीडियो जाएंगे। तो ब्रीफ मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आपको 5 to 7 ईयर्स UVSL कैन टेक, तो इसको एक बहुत बड़ा एक इशू मत समझिएगा कि 5 से 7 साल लग जाएंगे हमारे पैसे गए एंड ऑल, ये सब एक गलत चीज़ है। तो द अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट्स वी हैव टू वर्क। गाइस ये हो गई रिलिस्टिंग की बात कि रिलिस्टिंग कब होगी या आपको टाइम मिल गया। अगर कोई न्यू ऑर्डर आते हैं तो जल्दी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, सब कुछ मार्केट पे डिपेंड है। दूसरी बात कर लेते हैं, एक अपने हरीश कुमार, उन्होंने कहा 1000 शेयर के बदले कितने नए शेयर मिलेंगे, कृपया मुझे बताएं, आपका क्वेश्चन भी आ जाएगा। दूसरा सुदीप कुमार मार्कंडे, पुराने शेयर होल्डर को कुछ मिलेगा या नहीं? तो गाइस आपको जरूर मिलेगा, ये एक फैक्ट की बात बता रहा हूँ, मैं कोई अफवाह नहीं बता रहा हूँ। जो भी मार्केट में चल रहा है, जितनी पॉजिटिव आर्गुमेंट्स स्टेटमेंट्स एंड ऑल जो भी सब आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रहा हूँ शेयर स्प्लिट कैसे और कितने रुपीस पर होगा, क्या रेशियो होगा वो बता देता हूँ। वो रेशियो होगा 1:10, ये भी रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग है, ये भी कोई परमानेंट नहीं है। अगर कोई एग्जिस्टिंग लेटेस्ट न्यूज़ आती है तो ये सब चीज़ें मैं आपको ज़रूर लेटेस्ट टाइम पर बता दूंगा, लेकिन अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से मैंने आपको बताया 1:10, जहाँ पे मैंने सब स्टडी एंड ऑल सब करके देखा है, कंपेयर करके देखा है, एनालाइज करके देखा है, उसके ये सब देख के मुझे पता चला है कि जो शेयर है 1:10 के ऊपर अपना रिलिस्ट करेगा जब भी करेगा। रिलिस्टिंग डेट कोई फिक्स नहीं है, रिलिस्टिंग टाइम कोई फिक्स नहीं है, जो अप्रोक्स रिजोल्यूशन के अंदर दे रखा है पैरामीटर्स के अंदर वही आपको मैंने बता दिया है। और गाइस ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, इस शेयर को अभी फिलहाल के लिए भूल जाइए, जब इसकी कोई और न्यू डेट न्यू अपडेट जो भी आएगा मैं उसके लिए बैठा हूँ यहाँ पे आप लोग को बताने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पर जाकर जुड़िए, आप लोग को पता चल जाएगा जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगे हर एक शेयर के बारे में। और अगर आपको किसी शेयर के बारे में कुछ डिटेल या अपडेट्स चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, आप लोग को वहाँ पे जवाब मिल जाएगा। तो गाइस अभी के लिए इतना ही, चैनल पर बने रहिए, वीडियोस ऐसे ही आती रहेगी।